दुबई से बेटा बहू आने वाले हैं, कुछ प्लान है पिकनिक वगैरह? कुछ कोई अच्छा सा फार्म हाउस लेंगे, शानदार पिकनिक मनाएंगे। डैडी एक बेहतरीन फार्म हाउस है मेरी नजर में, रॉयल हेरिटेज। रॉयल हेरिटेज और अपने घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, मोइनाबाद पे है फार्म हाउस। जी डैडी कोई फार्म हाउस नहीं चलूंगा मैं, चलूंगा तो एक ही फार्म हाउस जिसका नाम दुबई में मशहूर है, वो रॉयल हेरिटेज। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। केरला स्टेट के वायनाड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी अब होगा इलेक्शन, क्योंकि वायनाड के एमपी और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही ज्यादा एक्टिव लीडर राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा से एमपी की हैसियत से इलेक्शन से रिजाइन कर दिया है। वो इसलिए कि राहुल गांधी ने एमपी इलेक्शन के वक्त दो लोकसभा सीट रायबरेली और वायनाड से कामयाबी हासिल की थी और अब वायनाड लोकसभा से इनकी बहन प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली तारीख का ऐलान करने के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अरकान मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑफिशियली प्रियंका गांधी के नाम को वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान भी कर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस वर्कर्स में खुशी का माहौल पाया जा रहा। ये पहला मौका है कि प्रियंका गांधी अब मैदानी इलेक्शन में उतर रहे हैं और ये इससे पहले भी वो अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए इलेक्शन में जमकर हिस्सा लिया करते थे। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।